बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें। मेरा न्यू चैनल है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी वीडियोस को एंड तक देखा करें, स्किप मत किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फैमिलीज और फ्रेंड के साथ, और मेरा चैनल शाहीन कुकिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चाइनीज़ राइस। चाइनीज़ राइस बनाने के लिए हमें जो अज्जा ज़रूरत होंगे वो ये हैं: चावल 1.5 किलो, मटर 1 किलो, चाइनीज़ गाजरें 1 किलो, अंडे 4 अदद, टमाटर 3 अदद, प्याज 3 अदद, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक भी शामिल किया है। मिक्स मसाला 1 चाय का चम्मच, इसमें लौंग, ज़ीरा और काली मिर्च शामिल है। बम्बई बिरयानी मसाला 1 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। सबसे पहले पतीले में मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया है। अब मैं प्याज शामिल करूंगी और प्याज को फ्राई करूंगी। प्याज फ्राई हो गया, अब मैं टमाटर शामिल करूंगी। अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। अब मैं धनिया पाउडर शामिल करूंगी और साथ में नमक। और अब मैं बम्बई बिरयानी मसाला पानी में घोल कर शामिल करूंगी। मसाला भून चुके, अब मैं 1 गिलास पानी शामिल करूंगी। अब मैंने इधर चावलों को बॉईल कर लिया है, चाइनीज़ गाजर को भी मैंने बॉईल कर लिया है और मटर को भी मैंने बॉईल कर लिया है। मैंने इसमें मिक्स कर दी है। अब मैं केवड़े के चंद कतरे डालूंगी। और अब मैं इसे दम पे लगाने जा रही हूँ। चावलों का दम आ गया है, देखिए कितने खूबसूरत खिले खिले चावल हैं। अब मैं इसे ट्रे में सर्व करूंगी। माशाल्लाह से हमारे चाइनीज राइस तैयार हो गए हैं। इसे रायते के साथ तनावल फरमाएं। इसलिए रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।